ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुत्ते के अंदर 10 ऐसी उम्दा खसलते हैं कि वो हर मोमिन को अख्तियार करनी चाहिए। पहली ये कि वो भूखा रहता है, ये आदाब सालेहीन से है और थोड़ी चीज पर कनाअत करता है, ये अलामत साबिरीन से है। दूसरी, इसका कोई मकान नहीं होता, ये अलामत मतवक्किलीन से है। तीसरी, वो रात को बहुत ही कम सोता है, ये सिफाते शब्बेदाराने मुहिब्बैन से है। चौथी, जब मरता है तो कोई मेरास नहीं छोड़ता, ये सिफाते जाहिदीन से है। पांचवी, ये अपने मालिक को नहीं छोड़ता अगरचे वो इस पर जफा करे और इसको मारे, ये अलामत मुरीदैने सादिकीन से है। छठी, अदना सी जगह पर भी राजी हो जाता है, ये अलामत मतवाजेन से है। सातवीं, अगर उसकी जाए रिहाइश पर कोई गालिब हो जाता है तो इसको छोड़ देता है और दूसरी जगह पर चला जाता है, ये निशानी राजेन से है। आठवीं, इसको जितना मर्जी मारें और फिर टुकड़ा डालें तो फौरन आ जाता है और मार का कीना अपने दिल में नहीं रखता, ये अलामत खाशेन से है। नौवीं, खाना सामने रखा हो देखता है जब तक मालिक खुद ना बुलाए तो दूर बैठे हुए उस खाने की तरफ देखता रहता है, ये अलामत मसाकीन से है। दसवीं, किसी मकान से कूच कर जाता है तो फिर इसकी तरफ इल्तफात नहीं करता, ए अजीज कनात का सबक कुत्ते से हासिल कर। तूने अक्सर देखा होगा कि शिकारी कुत्तों को जब गली कूचों के कुत्ते देखते हैं तो उन पर भौंकते हैं और कहते हैं, जब तुमने उम्दा उम्दा और लजीज खानों की तरफ रगबत की तो तुम जंजीरों के साथ कैद किए गए, अगर तुम भी हमारी तरह गिरी पड़ी और रूखी सूखी चीजों पर कनात करते तो हमारी तरह खुले और आजाद जिंदगी बसर करते।